स्वागत है आपका हमारी अकॉर्डिंग वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे और भी वीडियोस को देख रहे होंगे। तो आज एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सी वीडियो हम लोग देखने वाले हैं और इस वीडियो का नाम है मोहम्मद शामी एपिक डिस्ट्रॉयज रूबीका लियाकत। तो फटाफट से देखते हैं आज की वीडियो। वीडियो कहीं तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज जरूर कीजिएगा। फटाफट से देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो बेहद शानदार होने वाला है क्योंकि आगे वीडियो में इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने गोदी मीडिया की स्टार एंकर रूबीका लियाकत की गजब धुलाई की है। मोहम्मद शमी गोदी एंकर के हर सवाल के जवाब में गोदी मीडिया को जबरदस्त आईना दिखा रहे हैं। उनकी इस हाजिर जवाबी पर वहां बैठी जनता भी खूब तालियां बजाते हुए शमी का समर्थन करती दिखाई दी। रूबीका लियाकत बार बार शमी के मुँह से मौजूदा सरकार की तारीफ निकलवाने की बेहिसाब कोशिशें करती रही, लेकिन मोहम्मद शमी उसे इग्नोर करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने लगे। वीडियो के आखिर में तो रूबीका लियाकत अपनी चाटुकारिता का सबूत देते हुए फिर से शमी के मुंह से सरकार की तारीफ निकलवाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके बाद मोहम्मद शमी ने गोदी एंकर को जो धोया है वो आपको मिस नहीं करना चाहिए। चलिए आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। वो लोग जो बार बार आपको और खासकर पाकिस्तान से ये कहते रहते हैं, और चूंकि आज चौपाल के मंच पर आप मौजूद हैं, वो कहते हैं कि भाई सजदा करने बैठा था, कर नहीं पाया, खौफ इतना था उसे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसी में दम है तो मुझे रोक कर दिखाया, जहाँ मैं चाहूंगा मैं वहाँ पे सजदा करूंगा। ना तो सजदा मैंने कभी ग्राउंड पे तो किया नहीं है, उससे तो हर इंसान डरता है, उसकी चौखट पे जाके तो हर आदमी झुक जाता है, लेकिन मैंने कभी ग्राउंड पर सजदा किया ही नहीं है और ना मेरे दिमाग में ऐसा था। 5 विकेट मैंने पहले भी लिए। मैं इंडियन हूँ फख्र से कहता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ ये भी मैं फख्र से कहता हूँ। अगर मुझे सजदा करना है तो मुझे कोई धर्म कोई इंसान कोई नहीं रोक सकता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे आपको तो बकायदा गले भी लगाया था, आपको लगता है कि ये जरूरी था? आप चाहेंगे कि आगे भी जीत हो के हार हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए खिलाड़ियों से बात करें? देखिए हार जीत तो पार्ट ऑफ द गेम है, आप उसको बदल नहीं सकते। एक टीम को हारना है एक टीम को जीतना है, वो तो एक पार्ट है उस गेम का। एक अच्छाई एक लीडरशिप वहीं पे दिखती है जहाँ पे आप नीचे लगे हो या ऊपर चढ़े हो, उसमें कोई फर्क उसको कोई लेवल दिखाई नहीं देता, वो अपने टीम के साथ है अपनी यूनिट के साथ है। वो सही बात है, बहुत अच्छी लगी। ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये आए इसलिए हार गए, पनौती जैसे शब्दों का भी बकायदा इस्तेमाल हुआ था और आपने सुना होगा। हाँ, हुआ था। हाँ, सही बात तो अब पॉलिटिकल एजेंडे हैं, मैं इसमें घुसना नहीं चाहता। अब किसी के आने से या किसी के जाने से हमें ग्राउंड में क्या फर्क पड़ रहा था? हम अपना 100% दे रहे थे वहाँ पे, हम अपना जान लगा रहे थे वहाँ पे, हम कोशिश ये कर रहे थे कि ये ट्रॉफी जो सामने रखी है ये हमारे पास रहे, हमारे देश के पास रहे, बाकी हमें कुछ नहीं दिखता बाहर कौन क्या कर रहा है, सही बात है। नहीं कर रहा है उस टाइम पे तो और कुछ नहीं दिखता। शमी भाई इसीलिए क्योंकि आप यहाँ अकलियत से ताल्लुक रखने वाले माइनॉरिटी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले एक मुसलमान हैं, आप उन तमाम लोगों को चौपाल के इस मंच से क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अब यहाँ जीना बदहाल हो गया है, उनको कोने में घसीट दिया गया है? और मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। वो लोग यहाँ रह नहीं सकते हैं, यहाँ पर हर जगह जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और मुसलमान अभी डरा हुआ है बहुत, क्योंकि मैं आपसे ये सवाल पूछ सकती हूँ, आप ईमानदारी से जवाब देने वालों में से एक हैं। नहीं यार, जहाँ तक सवाल हिंदू या मुसलमान का है, देखो सबको हक बराबर मिला है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होती या यहाँ पे कोई परेशानी होती तो हम ही नहीं होते, या जहाँ पर किसी भी नॉन मुस्लिम को अगर परेशानी होगी तो वो वहाँ पे नहीं रह सकता। सही बात है, वो सीधी सी बात है। सही बात है, सही होता। अब जहाँ तक कुछ चीज़ें ऐसी जो क्रिएट आपने सोशल मीडिया पे भी देखी हैं कि जय श्री राम के नारे लगे हैं या फिर कुछ दंगे फसाद हुए, तो वो लोग चाहते ही वो हैं, उसके अलावा वो लोग कुछ नहीं चाहते। आप मुझे बताइए, मेरे विलेज की मैं बात करता हूँ, हमारे में आधे आधे लोग हैं, बीच में से एक रोड गई है, आधे इधर है आधे इधर है। आप यकीन नहीं करोगे, एक दूसरे के जो फेस्टिवल होते हैं उन पे ऐसे जाते जैसे उनका खुद का फेस्टिवल हो। बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जब होली आती है, होली का जब वो आग जलाते हैं ना वहाँ पे, होली का इनवाइट करते हैं हम लोग जाते हैं, हमारे ऊपर एक छीट होली की नहीं आती है और हम उनके घर खाना खाते हैं। हर धर्म में आपको 10-5 लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो सामने वाले को पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे उस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे वो सजदे वाली बात आई थी, अरे अगर आज आपका मंदिर बन रहा है तो जय श्री राम कहने में किसको क्या दिक्कत है? हजार बार बोलो ना। सही बात है, आप हजार बार बोलो। अगर मुझे अल्लाह अकबर बोलना है तो मैं 1000 बार बोलूंगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है? इसमें किसी का कुछ जाता नहीं है, किसी का कुछ आता नहीं है, लेकिन भाई जो गेम खेलता है वो खेल सकता है। कोई ऐसी चीज होगी ना जिससे चिड़मचती होगी, गुस्सा दिलाता, कुछ गुस्सा पूछ रही है किस बात से गुस्सा? मुझे एक ही चीज है कि किससे चिढ़ते हैं आप सबसे ज्यादा, किस चीज से चिढ़े आप? चोरी चकारी से। यार अगर आपका प्रोफेशन है, आप अपने प्रोफेशन में अगर आप अपने आप से चोरी कर रहे हो, मतलब आप धोखा दे रहे हो सामने वाले को भी, फैमिली को भी और खुद को। मेरे हिसाब से
सबसे गंदी चीज़ है वो, तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत स्मार्ट बन के दिखाते हैं, बहुत होते हैं ऐसे, लेकिन पीछे से कैसे हैं वो आपको भी पता होता है कि ये इंसान कैसा है। आप सामने ना बोलो लेकिन पीछे जरूर बोल दोगे उसके, इसकी औकात तो मैं पता है। आप मुझे चैलेंज दो। कौन सी फिल्म थी? इनडायरेक्टली इनको ही बोलता है। गुस्सा क्यों आता है? अब एक फिल्म बनेगी, मोहम्मद शमी को गुस्सा क्यों नहीं आता है? यार आता है गुस्सा भाई, आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता। बोला ना अभी कि आप चोरी चकारी करोगे तो आएगा। मुझे दिख रहा है आपको, आप अपने टैलेंट पे, अगर जस्ट जो टैलेंट है आप, या तो टैलेंट वेस्ट कर रहे हो आप। ये आपके लिए टाइम पास होता है? कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि यार हम बोल किसी और वे में रहे, हम किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हो कभी जातिवाद में ले जाते हो, कभी पॉलिटिक्स में ले जाते हो, कभी क्रिकेट पे चल देते हो आप। मैं तो कहता हूँ ब्लॉक करना चाहिए इन सब चीज़ों को, जो फालतू के जो मीम बनाते हैं, जो फालतू के ड्रामा क्रिएट करते हैं। सही बात है, कर देना चाहिए इनको। 14 से लेकर 2024 आप ये कह रहे हैं बहुत शानदार रहा, 23-24 आप ये कह रहे हैं कि शानदार यूनिट जो है टीम इंडिया ने शानदार यूनिट की तरह काम किया है। इंडिया एज अ कंट्री उसने कैसे काम किया है, हिंदुस्तान भारत ने कैसा काम किया, ये टीम इंडिया ने कैसा काम किया है? अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो गई हैं फैमिलीज कि हाँ क्रिकेट में भी भेजना शुरू किया है, अदर स्पोर्ट्स में भी भेजना शुरू किया है, अब पढ़ने के लिए भी लोग बाहर बाहर भेज रहे हैं लोगों को। तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं ये 10-20 साल में पूरे। तो जो पहले इंडिया था जो घर से गाँव से बाहर नहीं जाते थे, आज देख लो ना कहाँ कहाँ दुनिया के हर कोने में जाते हैं अपने भारत से। इसका श्रेय आप किसको देंगे? इज इट द पॉलिटिकल लीडरशिप, इज इट द स्पोर्ट्स लीडरशिप, या ये सबका मिला जुला है? देखो मिला जुला तो है सबका, लेकिन मुझे लगता है कि एजुकेशन का फ़र्क आया है, ये एजुकेशन हमारे ब्लड में आई है, इसलिए हम लोगों ने चीज़ों को समझना शुरू किया है, इसलिए हम लोगों ने इतने वेज ढूंढने शुरू किए हैं कि हम इस वे में डाल सकते हैं, इस वे में काम कर सकते हैं। तो एजुकेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है जो हमारे कल्चर को क्रिएट किया है। तो सपोर्ट तो सारे लोगों ने किया है, पॉलिटिकल भी आप देखो, अब अकेला पॉलिटिकल को ही नहीं बोल सकते क्योंकि भारत की जनता ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, और आप लोगों ने देखा ही है कि मोहम्मद शमी जो है उन्होंने कितने ज्यादा अच्छे से रूबीका लियाकत जो है उनको सीरियसली जवाब दिए हैं। वो बहुत कुछ उनके ना मन में था जो रूबीका है ना, उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल हैं जो कि मोहम्मद शमी हैं उनसे किए हैं, बेशक वो मैच के हवाले से, बेशक उनको जो मोहम्मद शमी को ट्रोल किया था हम लोगों ने पिछले कुछ वक्त में देखा था कि बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि इनकी वजह से हम लोग मैच हार गए, जो कि इस वीडियो में भी बता रहे थे, और भी बहुत कुछ था। और इस दफ़ा तो वो खेल भी नहीं रहे हैं, अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है तो मे भी उसकी वजह से है या फिर जो भी वजह उसके पीछे होगी, लेकिन रूबीका लियाकत को क्या सीरियसली अच्छे से जवाब दिए हैं, और मतलब जो भी उन्होंने पूछा है, बेशक वो हिंदू मुस्लिम की बात हो या फिर जो भी बात हो, उन्होंने बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वे से उनको रिप्लाई दिए हैं। और एक बार उसमें जो बहुत ही ज्यादा सी आ रही, वो बोल रही है कि ऐसा क्या बात है आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता हो, मतलब वो बोल रहे हैं कि मुझको उतना तो ज्यादा गुस्सा नहीं आता, लेकिन बोल रहे हैं अगर एक सामने वाला बंदा खुद को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझता हो और लगे, लेकिन आपको उसके पीछे का पता होता है और वो आपके जब मुंह पे होता है तो वो कुछ और बोलता है, लेकिन पीछे होता है तो वो कुछ और बोलता है। तो ये चीज तो है कि जो बंदा दोगला होता है ना, कि सामने कुछ और हो पीछे कुछ और हो, ऐसे लोगों से तो मुझे भी नफरत है बहुत ज्यादा। एक ये, और एक मुझे तो लगता है कि जो लोग झूठ बोलते हैं ना, बेशक मुझे लगता है कि कुछ भी बात हो, बेशक सच्चाई जो भी हो, अगर आप किसी के सामने भी आते हो, मतलब हर एक को सफाई मत दो, लेकिन आपके जो अपने रिश्ते हैं उनमें सच बोलना और हर एक चीज़ क्लियर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग ऐसे आज की वीडियो थी, और ऐसी बहुत ज़्यादा वीडियोस और भी आने वाली हैं, मैं लेकर आने वाली हूँ आपके लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ जरूर कीजिएगा, और ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मैं आपको मिलती रहूँगी ऐसे बहुत सी वीडियोज़, अभी के लिए इतना ही, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आई लव यू ऑल।